6000 वाट, ये है 8000 वाट, प्लेयर दे रहे हैं आई डेंस का, ये आप यूएसबी से प्ले कर सकते हैं। 8000 वाट के सब वूफर्स हो गए हैं, 2200 और 2400 वाट आपका ये हो गया है। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में, मैं हूं शुभ। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आओ यहाँ पे ये डीजे सेटअप। बेसिकली दोस्तों आज के इस डीजे सेटअप में रहने वाला है 4 लाइनर है, 2 डबल के बेस है, सारी हाई पावर यहाँ पे चीजें मैं आपको दे रहा हूँ 4000 वाट की, यानी 8000 वाट के हमारे सिर्फ बेस हो जाते हैं। लाइनर आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा विद फ्लैट केस होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे एम्पलीफायर्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से दे रहा हूँ वो भी बता दूंगा। वहाँ पे वो प्लेयर छुपा हुआ रखा हुआ है, प्लेयर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, और ये इनके भी फ्लैट केस रखे हैं। फिलहाल में मैंने बारिश में शूट करा है बेसिकली, तो पानी वानी भी जो है इस पर रहेगा, तो बारिश में ही शूट करा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन कैसे चल रहा है ये सेटअप बेसिकली, क्या प्राइसिंग पे है, क्यों लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वालिटी डिवाइस कैसा है डिटेल में जानेंगे, और वीडियो काफ़ी अच्छी वाली। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ हम कौन सी बेस आपको यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल के बेस हैं। ग्रिल मैंने यहाँ पे खोल दी आपको ताकि मैं दिखा सकूँ अंदर स्पीकर जैसे है फिट हमने कैसे करा हुआ है, और ओवरऑल ये फ्रंट में है कर्व, जिसे कहते हैं आप कर्व फ्रंट वाली, और बेसिकली ये एक्सट्रिक्स का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का आप कह सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस कह सकते हैं। एक्सट्रिक्स के ही बेस हैं, एक्सट्रिक्स की ग्रिल आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट ग्रिल है। यहीं कहीं अगर फोटो आपको डाल सकता हूँ, ये वीडियो छोटी सी डाल सकते हैं तो डाल दूंगा मैं आपको, काफ़ी बारी में आपको ये बेस को जो है वो दे चुका हूँ। ओवरऑल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है जो कि स्पीकर्स हैं, इसके अंदर 18 स्पीकर्स हैं, 5-5 इंची वर्चुअल के अंदर स्पीकर इसके अंदर डले हुए हैं। हमने यहाँ पे क्वालिटी वाइज या फिर आप कह लीजिए परफॉर्मेंस वाइज दोनों में कंजूसी नहीं करी है। अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे आप सभी को पता है कि कैबिनेट की क्वालिटी, कैबिनेट का पेंट भी आप देख सकते हैं, मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि देना पड़ता है, बाकी लोग दे ना दे लेकिन मैं ज़रूर पेंट पे यहाँ पे ध्यान देता हूँ। यहाँ पे भी इसका भी आप पेंट दे सकते हैं, प्लास्टिक हैंडल्स इसके अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आयरन का भी यूज़ लिया जाता है, और पिचेस तक हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये सारे के सारे लकड़ में यूज़ होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। हम ये प्लाई में यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे जितना भी जो ग्रिल पे टाइट होते हैं बोल्ट्स वो सारे के सारे लकड़ में यूज़ होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेक्स पेंट हो जाता है, 18x5 इंची वर्चुअल, 2000 वाट का एक स्पीकर है, तो 4000 वाट का एक सबवूफर, तो टोटल हमारे जो कि सबवूफर बैठ रहा है वो 8000 वाट के सबवूफर्स हो गए हैं। 8000 वाट तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ बेस का मैंने आपको काउंट करा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको एक बारी बैक प्लेट भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर हमने कौन सी बैक प्लेट जो है वो यूज़ करी है, और इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली हम बैक प्लेट यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो कि ये आप देख सकते हैं गैस्केट टेप होती है, ये गैस्केट टेप को सब जगह जो है वो डाल के दिया जाता है, कोई ये नहीं है कि हमने यहाँ पे ये गैस्केट को टेप को दिया है। हैंडल्स में भी लगाया जाता है, यहाँ पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि हम इसके जो बैक प्लेट की मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उस पर भी ध्यान हम यहाँ पे देते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये एल पत्ती होती है, ये एल पत्ती का हमने यहाँ पे काम करा हुआ है, ऊपर भी जो है वो एल पत्ती हम यहाँ पर लगाते हैं, तो सब जगह जो है वो एल पत्ती का जो है वो काम देते हैं। और ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान देते हुए हम ये प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अलपत्ती आपको देखने को मिल जाती है, मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ से ये पॉली बैग को जो है वो फाड़ देता हूँ तभी आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। इसे एल ब्रैकेट कहते हैं बेसिकली, लोहे का एल ब्रैकेट, आयरन का एल ब्रैकेट, अंदर से एक पत्ती होती है जो कि यहाँ पे जॉइंट्स पे लगी जाती है, और इसको जॉइंट को जो है वो मजबूत करके रखती है। इफ़ एनी केस कि अगर आपका ग्लू कील या फिर कुछ और चीज़ें अगर छोड़ भी दें तो ये जो पत्तियां हैं ये नहीं छोड़ती हैं। और फिलहाल में ये है हमारी कैबिनेट्स डबल बेस की, 4000 वाट की बेस है। लाइनर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं, लाइनर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये HDL 20 है, 88 प्रो की है, लाइनर सिस्टम विद वेव गाइड टेक्नोलॉजी है। अब वेव गाइड टेक्नोलॉजी दोस्तों आपको मैं बता दूँ ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, नॉर्मली मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही है। जैसे मैंने इसका वीडियो डाला था कॉपी कैबिनेट्स आना स्टार्ट हो गई हैं इसी सेम टू सेम कॉपी करने के लिए। कॉपी कैबिनेट का मतलब कि सेम टू सेम बनाया लेकिन नहीं आ पा रहा है मार्केट में, तो आज मैं आपको वही पूरा ओरिजिनल जो कि है जो कि 88 प्रो ने यहाँ पे दिया है वेवगाइड टेक्नोलॉजी के साथ में, ये वाला मैं आपको लाइनर जो है वो देने वाला हूँ। तो एक फ्लैट केस में आपको 2 पीस मिलते हैं, दूसरे फ्लैट केस में आपको 2 पीस मिलते हैं, तो टोटल आपके 4 हो जाते हैं। एक की जो पावर है वो है यहाँ पे 1100 वाट एक लाइनर की, तो टोटल 1100, 1100, 2200, 2200 और 2400 वाट आपका ये हो गया है। 2400 वाट का आपका लाइनर का यानी मिड हाई का वोल्टेज है, और बेस का वोल्टेज आपका 8000 वाट हो गया है। इसके साथ में जो है कि मैं आपको एम्पलीफायर अभी दिखाऊंगा कौन सा दूंगा,
इससे पहले जो कि है अभी हमारे लाइनरी को खोल लेते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे आपको मिलता है ये लाइनरी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको लाइनरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनरी रखे हुए हैं और ये डबल 10 के लाइनरी होते हैं। एक 10 इंची का इसके अंदर स्पीकर है, एक 10 इंची का इसके अंदर स्पीकर है और बीच में जो है वो आपको वेव गाइड टेक्नोलॉजी वाला HF देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, 10 2 वे और 2 10 इंची के, 150 वाट का HF है और स्पीकर की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे 500+500 रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, HDL20 जो है इसका मॉडल नंबर है, 10 इंची वाला है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इसको आप कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, आप दो पीस मैंने लगा रखे हैं, ये नीचे जो है वो इसका फ्लैट केस रखा हुआ है बेसिकली, ये फ्लैट केस इसके साथ में आएगा और इस बात का आपको ध्यान देना है कि बेस का फ्लैट केस ऐड नहीं है दोस्तों इस वाले सेटअप में, क्योंकि फ्लैट केस लाइनरी के साथ में कंपलसरी होता है क्योंकि स्क्रैचेज होते हैं, एक तो लाइट वेट होता है प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी सेफ्टी जो होती है इसको देनी पड़ती है, तो इसलिए ये जो है वो बनते के साथ ही फ्लैट केस में डाल दिया जाता है। तो फिलहाल में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी जो है वो फिटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फिटिंग्स हैं, ये बेसिकली ये जितनी भी फिटिंग्स हैं ये एल्यूमिनियम की फिटिंग्स रहती हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो कि पिन की मोटाई है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। कोई मैं आपको वैसे सेटअप नहीं दे रहा हूँ कि आज यूज़ करा कल आपके सेटअप में जो है वो शिकायत आना स्टार्ट हो गई है या ख़राब होना स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आप ऊपर इसके साथ में और जो है वो लाइनरी को हैंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे ये चारों को एक साथ लगाना है तो आप एक साथ लगा सकते हैं और इनके लिए आपको जो कि एक्सेसरीज़ होती हैं बेसिकली वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो अलग रहेगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि एक्सेसरीज़ क्या क्या आपको चाहिए या फिर आप परचेज़ करना चाहते हैं। बाकी इसके अंदर जो कि हैंडल्स हैं वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर ही आपको हैंडल्स यहाँ पे मिलेंगे, ये अलग हैंडल्स नहीं होते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ये मार्केट में कोई कॉपी नहीं कर पाता है बेसिकली, जिस दिन से मैंने ये वीडियो डालना स्टार्ट करी है, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर का पेंट हो जाता है और ये पेंट दोस्तों बेसिकली इस हिसाब से करा गया है कि इस पर पानी ना रुके, इस पर कोई भी डस्ट ना रुके, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको इससे बचाव को मिलेगी। अगर आप इसको फिटिंग में भी यूज़ कर रहे हैं, क्लब में यूज़ कर रहे हैं, कहीं इन हाउस यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, स्टेडियम पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि इस पे से डस्ट बिल्कुल आप एक ब्रश मारेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। पेंट भी यहाँ पे स्क्रैचलेस पेंट दिया गया है। पीछे की फिटिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से रहने वाली है। बाकी आप इसकी थिकनेस देख लीजिए प्लेट की, यहाँ पे ये है दोस्तों थिकनेस 9 mm की थिकनेस होती है, आप सोच सकते हैं आप कितने लाइनरी को जो है वो हैंग कर सकते हैं। बाकी इसको भी कुछ इस हिसाब से बनाया गया है यहाँ पे हमारे जो कि स्पीकॉन सॉकेट है कि यहाँ पे पानी ना जाए इसके अंदर, अगर आप बाई चांस आउटडोर में लगा रहे हैं या उतारते देर हो गया पानी में भीग रहा है तो शॉर्ट नहीं होगा। बाकी इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको दे दी जाती हैं कि ये कैसे चलेगा, कौन से कनेक्शन आपको करने हैं और ओवरऑल ये तो है। और ग्रिल पर भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भी बोल्ट्स जो हैं ये बेसिकली आप देख सकते हैं ऊपर से आपको ये बोल्ट्स भी जो है वो अलग देखने को मिलेंगे, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये बेसिकली इंपोर्टेड पूरा लाइनर है, मैं आपको दे रहा हूँ इंडिया में बना ही नहीं है और कोई बना भी नहीं पाएगा इस टाइप की क्वालिटी। तो वो आप सोच सकते हैं मैं किस लेवल की आपको सेटअप की बात करूँ, तो ये टोटल 4 लाइनरें हो जाते हैं विथ फ्लैट केस, मैं आपको दे रहा हूँ फ्लैट केस की क्वालिटी आप देख लीजिए, ये पूरा फ्लैट केस की क्वालिटी है। बटर लॉक्स दिए हुए हैं, 4 हैंडल्स का इसके अंदर यूज़ करा गया, ये देख सकते हैं 4 हैंडल्स का इसके अंदर यूज़ करा, पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिलेगा। तो ये टोटल ओवरऑल ये 4 लाइनरेज हैं और हमारी 2 ये पीछे बेस हो जाती हैं। चलिए इनको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और उसके बाद की जो कि कनेक्शन की डिटेल्स हैं, एम्पलीफायर कौन सा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एम्पलीफायर मैं आपको कौन सा दे रहा हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एम्पलीफायर रखे हुए हैं ये 2 पीस और ये 2 एम्पलीफायर मैं आपको सेटअप के साथ में दे रहा हूँ। ये बेसिकली ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से आते हैं, VP8000 और VP12000। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी एक्चुअल वाटेज में बता रहा हूँ, ये है 6000 वाट, ये है 8000 वाट। 8000 वाट दोस्तों जो कि है हमारा वो है बेस के लिए, एक चैनल पे एक बेस, दूसरे चैनल पे 2 बेस, 4 ओम्स हो गए स्टेबल। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ हमारा जो कि है VP8000, इस पर मैं दे रहा हूँ आपको ये 4 लाइनरे के लिए। अब इस पर एक चैनल पे 2 लाइनरे जाएगा, दूसरे चैनल पे 2 लाइनरे जाएगा। बेसिकली लाइनरे की अगर मैं बात करूँ तो एक है 8 ओम का, उसको हम पैलर कनेक्ट कर रहे हैं, तो 4 और 4 यानी 4 और 4 ओम से हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल जो भी मैं आपको लोड दे रहा हूँ इस एम्पलीफायर पे पूरा का पूरा स्टेबल होने वाला है। LCD मिलने वाली है इसके अंदर, आप देख सकते हैं दोनों वॉल्यूम पावर सब कुछ है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको जो कि आपको देखने को मिलेंगी। अभी कनेक्शन भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्रॉसओवर की, तो दोस्तों इसके अंदर जो कि क्रॉसओवर है हम वो दे रहे हैं ATI Pro का ATI 203। अब इसके अंदर यही क्रॉसओवर जो है दोस्तों ठीक है, मतलब
आप ले सकते हैं और भी मॉडल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेटअप के अंदर तो ये आपका क्रॉसओवर बहुत बढ़िया काम करेगा। और यहाँ पे ये लेटेस्ट मॉडल है बेसिकली, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ईटीए प्रो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है। तो ये लेटेस्ट मॉडल है, चैनल 1 चैनल 2 हो जाता है। तो इस पे से मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन कैसे रहने वाला है। और सबसे जो कि है तगड़ी चीज़ है दोस्तों सेटअप में, वो ये है कि ये हम प्लेयर दे रहे हैं iDance का आपको यहाँ पे मिक्स बॉक्स 300। ये आप USB से प्ले कर सकते हैं, ये आप लैपटॉप से प्ले कर सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप इसके अंदर CD से भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेन परस्पेक्टिव आप इसको लेके इसके लिए चलेगा कि आप इसको USB या फिर बाहर से इसका मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर इसके अंदर इनबिल्ट मिलेगा सेपरेट, मैंने एक वीडियो बना रखी बहुत धमाकेदार, ये मुझे लग रहा है और वाकई में मतलब मार्केट में काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पीछे की डिटेल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने बाहर से इनपुट दिया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि बाहर से भी आप इसमें इनपुट ले सकते हैं अगर आप सिंपल मिक्सर का यूज़ करना चाहते हैं तो। कुछ इस टाइप से जो है इसका रहने वाला है, ये आउटपुट हो जाता है एम्पलीफायर के लिए। और इसकी रहती है दोस्तों वायर्स, तो ये दोस्तों मैं वायर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वायर की आप क्वालिटी देख लीजिए, जो कि हम वायर की आपको क्वालिटी दे रहे हैं वो अगेन यहाँ पे मार्केट के 50-60 रुपए वाली वायर नहीं है, ये खुद मेरी बनाई हुई वायर है। और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्लीव्स इसके अंदर चढ़ा के दी है, वो पैकेट वाली जो कि मार्केट में आपको वायर मिलती है वो 60-70 रुपए की भी मिल जाती है, लेकिन इसकी जो कि कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक जैक की उतनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर वायर की क्वालिटी हो जाती है और किस किस परफेक्शन से हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं। बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं कनेक्शन की मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों कनेक्शन में अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो हमारा जो कि है इनपुट है ये वाली वायर। अभी मैं यहाँ पे जो कि है यहाँ से एम्प को आउटपुट देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये RC वाली जो है वो केबल यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से मैंने आउटपुट दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्रॉसओवर को, तो ये जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट है, तो यहाँ पे मैंने ये इनपुट डाल दी, ठीक है ना, दोनों चैनल्स के अंदर। और यहाँ ये दूसरी इनपुट डाल दी, और बेसिकली यहाँ पे ये इनपुट होने के बाद अब यहाँ से हमें जो कि है आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे अब ये आउटपुट के लिए ये वाली जो केबल्स हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ। और इसके अंदर दोस्तों आप चाहे तो स्टूडियो चला सकते हैं या फिर मोनो चला सकते हैं, मैं बेसिकली अभी यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ मोनो में। और यहाँ पे मैं ये जो है वो सबवूफर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोनों आपने इनपुट कर देना है जो कि पीछे से हमारे के लिए है। अभी आउटपुट के लिए हम सबसे पहले बेस के लिए लेते हैं, तो ये जो है वो सबवूफर वाला आउटपुट मैं यहाँ पे बेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये बेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने करा। और ये वाली वायर दोस्तों जो कि हमारी जाएगी वो यहाँ पे चैनल 1 के इनपुट में हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स होगी वो दोस्तों मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं आपको करके दूंगा, बाहर से आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सेटअप लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी सेटअप होने के बाद। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको फ़ोन कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए भी दिया जाएगा। बाकी जो कि हमारा दूसरा आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पे हमारे लाइनरे के लिए, तो लाइनरे के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये मिड से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आगे जो कि फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चेंज करूँगा। तो यहाँ पे ये लाइनरे पे मैं इनपुट कर देता हूँ, तो इसमें ये चैनल ए में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे खेल ये होता है कि आप चाहते हैं मुझे इसके अंदर स्टूडियो करना है तो आप स्टूडियो कर सकते हैं, इससे इसको भी पैच कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे को यहाँ से टोटली कनेक्शन चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये एक सिंपल कनेक्शन था जो कि मैंने आपको बताया ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी तरीके हैं, आप चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप लेने समय भी आप बहुत सारे कनेक्शन जो है वो मुझसे सीख सकते हैं। ये एक ईजी वे था जो कि मैंने आपको कनेक्शन बताया। एम्पलीफायर सारे मोनो रहेंगे, और चलिए जो कि अभी यहाँ पे रहता है इसके अंदर स्पीकर्स की वायर लगाना वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायर कनेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे ये बेस की वायर्स हैं और यहाँ पे ये टॉप की वायर्स हैं। ये टोटली आपको ये वाली वायर मिलेगी, नई वायर मैं आपको दूंगा बेसिकली, अभी तो ये सैंपल के लिए वायर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है वो 2.5 mm की टॉप में भी रहेगी और बेस में भी आपकी 2.5 mm की, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन है, ये 2.5 square mm जो है वो आपको ये वायर मिलेगी, ये 2.5 square mm ये वाली वायर मिलेगी। बाकी वायर आप छोड़ दीजिए, ये वाली वायर मैं आपको देने वाला हूँ। स्पीकर ऑन सॉकेट्स भी सारे हाई क्वालिटी के आपको मिलेंगे, तो टोटली ये जो है वो कनेक्शन हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आप कर सकते हैं, किसी और का कनेक्शन का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन मेरे कनेक्शन का तरीका ये है। तो अब ये मत सोचिए कि मैंने गलत करा है, मैं ऐसे ही चलाता हूँ और ऐसे ही चलाऊँगा, और आप चाहें और कनेक्शन कर सकते हैं या फिर और तरीके से कनेक्शन भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे जो कि एम्पलीफायर है वो हम ऑन कर लेते हैं, और इसकी जो कि टेस्टिंग है बेसिकली वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और दोस्तों यहाँ पे ये आउटडोर है, ये जितनी भी टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई है ये बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब कह लीजिए 75% पे मैं चला रहा था। जब 100% पे चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूँ। प्राइसिंग डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा लास्ट तक। उससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा, चार यहाँ पे हमारे जो कि लाइनरेज हैं, बारिश में भी टेस्ट कराया मैंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हल्की फुल्की बारिश होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास दो बेसें हो जाती हैं, 4000 वाट की दो बेसें आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी है, चार लाइनर हो जाते हैं। लाइनरें जो हैं वो हमारे विथ फ्लैट केस आएंगे। फ्लैट केस भी मैं वैसा नहीं दे रहा हूँ, मतलब बस काम चला हुआ है कि आप बस नाम का फ्लैट केस दे रहा हूँ, वो वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेड फ्लैट केस है, जैसे इंपॉर्टेड लाइनर है वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। और मुझे इतना भरोसा है मेरे प्रोडक्ट पर कि यहाँ पर मैंने इसको अभी तक खुला ही छोड़ा हुआ है, बारिश का पानी वहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, क्योंकि ग्रिल भी जो है दोस्तों हम बहुत ज़्यादा कोटेड पे भी ध्यान देते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो कि एम्पलीफायर है, यहाँ पे अभी एम्पलीफायर को भी मैं आपको दोहराना चाहूँगा, दो एम्पलीफायर, एक क्रॉसओवर, एक ये डीजे मिक्सर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ये डीजे मिक्सर है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये फ्लैट केस आप देख लीजिए, बीच में जब कोई चढ़ता है ना तो ये लचकता है। अभी आप देख लीजिए मुझे, मैं कितने उछल उछल के इस पर कूद रहा हूँ, ये लचकेगा नहीं। ये चीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, आप सोच सकते हैं कि कहाँ की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ। लैपटॉप को छोड़ दीजिए, आप पूछते हैं कि ये लैपटॉप भी है क्या साथ में, नहीं भाई ये लैपटॉप नहीं है इसके साथ में, डीजे सेटअप के साथ में, सिर्फ ये सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान देना है, लैपटॉप नहीं है ये ध्यान रखना। ये आपके पास मिल जाते हैं और ये डीजे प्लेयर हो जाता है। बाकी दोस्तों वीडियो का अगर सेटअप अच्छा लगा हो, पसंद आया हो ये सेटअप, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल मैं बात करते हैं प्राइसिंग सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है। 3.5 लाख रुपए का मैं आपको आज के डेट में ये वाला सेटअप में दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए में, मार्केट में ढूंढने से नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेड है और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, वायर पे मैंने ध्यान दिया है। और बस बाकी दोस्तों नीचे आप ऑर्डर करने के लिए मैं आपको नंबर दे दूँगा, ये शोर होगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी डिटेल जाननी हो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।